हरियाणा के नूह में ब्रिजमंडल यात्रा के दौरान हुई घटना की चिंगारी भिवानी तक पहुंच गई। भिवानी में सोमवार शाम को घंटाघर चौक पर सैकड़ों बजरंग दल और गोरक्षा दल कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि शिव मंदिर की पहाड़ी पर कुछ भक्तों को घेर रखा है और उन पर हमला किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन की तरफ से अभी उन तक पर्याप्त मदद नहीं पहुंची है और वो अब तक हजारों की संख्या में वहां भूखे और प्यासे हैं। पहाड़ी पर शरारती तत्वों के द्वारा उन्होंने घेरने की बात कही और उन्होंने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सही समय तक प्रशासन उनको सुरक्षा मुहैया नहीं करा पाता है तो सुबह भिवानी को कई जगह पर जाम करने की चेतावनी दी। आज इतना बड़ा कांड हो गया हरियाणा में, हमारे जो यहाँ से भाई और पूरे हरियाणा से शांति प्रिय ढंग से शंकर भगवान जी के ऊपर जल चढ़ाने के लिए गए, सिर्फ जल चढ़ाने गए हैं और उसका नतीजा क्या हो रहा है, हमारे भाइयों को वहां पे गोली मारी जा रही है, उनके सिर पे मारा जा रहा है, लेडीज हैं उनके ऊपर भी मतलब हर तरह का प्रहार किया जा रहा है। मतलब इस बात को हम क्या समझे, हम कहा पाकिस्तान में रह रहे हैं, हिंदुस्तान में रह रहे हैं, कितनी शर्म की बात है। प्रशासन के लिए लगा लो, वहां पे कोई मदद नहीं पहुंच रही, वहां से लोग हमें लाइव आके कह रहे हैं कि हमें यहाँ से निकालो और यहाँ प्रशासन सोया हुआ है। मतलब खट्टर सरकार की नाकामी है, कौन सरकार की नाकामी है, हम बीजेपी की सरकार में हो कैसे रह रहे हैं, अगर यहाँ पे कोई और सरकार हो तो हम क्या करेंगे। मतलब वहां पे आज जान बचाना बच्चों को इतना मुश्किल हो रखा है तो किसकी ड्यूटी है, अब ये मोदी जी के गुहार लगाए क्या, ये मोदी जी आप आओ हमारे बच्चों को निकालो, शर्म की बात है। जो आ रहा है हमें समझा रहा है, पुलिस प्रशासन आ रहा है, नहीं वहां पे कंपनियां भेज दी, अरे वहां से लाई बोल रहे हैं हम निकल नहीं पा रहे हैं, अब वहां पे एसपी पहुंचे थे कोई, सीएम पहुंचे कोई, हम क्या करें इस बात का, कैसे उनको बचाया जाए, सबसे मेन तो है। और रात होने वाली है, अंधेरे में वहां पर जो भी लोग बैठे हैं वो सारे पहाड़ियों पे बंदूक लेके बैठे हुए हैं, ये कोई मीडिया वहां पे नहीं दिखा रहा कि कैसे बैठे हुए हैं, उसका जिम्मेवार कौन है, उनकी गलती क्या, मंदिरों में भी नहीं जाए क्या, हमारा गुनाह इतना हो गया कि हम मंदिरों में भी नहीं जाए और यहाँ पे बैठ के हम टोपी लगा नमाज पढ़े क्या, अगर हम उनकी तरफ जाते हैं तो ये हमें गीता का ज्ञान देते हैं कि नहीं ये तुम्हारे भाई इनके ऊपर कुछ मत करो तो हम कहां जाए, ये बहुत गलत सरकार की नाकामी है। तो ये कहता हूँ सीएम को भी इसमें बोलना चाहिए कि इतना बड़ा काम हो रखा है और अभी तक वो क्यों बैठे हैं, सारी मीडिया पे न्यूज चल रही है, मेवात में गोली चल रही है, किसी को स्टेटमेंट नहीं आ रही, चाहे गृह मंत्री को सारे सुबके बैठ गए, इतना में खौफ से रहना, हम नहीं दबेंगे भाई कैदियों किसी को हम नहीं दबेंगे, अगर हमारे साथ कुछ ऐसा एक भी काम हो रहा है लड़के के साथ यहाँ छोड़ेंगे नहीं किसी को भी। मैं संजय परमार जिला अध्यक्ष गोरक्षा दल भिवानी, मैं ये पूछना चाहता हूँ प्रशासन से, क्या शंकर भगवान को जल चढ़ाना भी आज के दिन गुनाह हो गया, हमारे शांति प्रिय ढंग से हमारे व्यक्ति हमारे गोरक्षा दल और बजरंग दल के लिए हमारे गौ सेवक वहां पे एक शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए गए थे और आज वो गुनाह कर दिया साबित कर दिया गया है, हमारी वहां पे आज के दिन 8-10 गाड़ियां फूंक दी गई है, दो लड़के भिवानी के लड़के हमारे उनको गोली लग चुकी है और अब फिलहाल नंदहर मंदिर में चारों तरफ से पहाड़ी के ऊपर घेर लिया गया उनको और वहां पे लगातार गोलियां चल रही है और देसी कट्टों से गोलियां चल रही है और वहां पे शर्म की बात है, वहां पे प्रशासन का व्यक्ति सिर्फ 2 या 4 प्रशासन के व्यक्ति है, वहां पे कोई आदमी नहीं है। अब एक बात बताओ, अगर उनके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो सर जिम्मेदार कौन होगा, आज के दिन कहते हैं ये है ना एक हिंदुओं की सरकार है, हिंदुओं की सरकार में आज के दिन हमारे को ये आतताई जो चार शांति ब्रिज को शांति दूत कहते हैं उन्होंने चारों तरफ से घेर के हमारे लड़के हमारे महिलाएं हैं वहां पे हमारे बच्चे हैं उनको घेर के घेरा जा रहा है, उनको ना अकल करने की कोशिश की जा रही है, हमारी कम से कम 8-10 गाड़ियां फूंक दी गई है और प्रशासन के पास हम लगातार फोन कर रहे हैं, वो बार बार भी कह रहे हैं हमारे को झूठा आश्वासन दिया जा रहा है कि फोर्स चल चुकी है, फोर्स चल चुकी है, अब फोर्स पहुंचेगी तब जब वहां पे सब कुछ नाश हो लेगा। से कम भी 4 बस भरके गई है और टोटल मिला के वहां पे सुनगर मंदिर में 2 से 2.5 हजार आदमी रुके हुए, अब वहां पे पानी की समस्या हो चुकी है, पानी खत्म हो चुका है, बिजली वहां पे है नहीं, औरतें और बच्चे हैं वहां पे, अब थोड़ी देर बाद अंधेरा हो जाएगा वहां पे, अब यूं नहीं पता कौन कहां से किस साइड से अगर गोली मारेगा तो पता नहीं लगेगा, पत्थर मारेगा तो पता नहीं लगेगा और वहां पे अभी तक फोर्स नहीं पहुंची है। इस मांग को लेकर हम यही मांग के बच्चे हमारे बच्चे वहां पे फंसे हुए हैं, हमारे भाई फंसे हुए हैं, हमारी बहन फंसी हुई है, हमारे बच्चे फंसे हुए हैं, उनको किसी तरह निकाला जाए, वहां पे प्रशासन सारा मौन है, चुप है, डरा हुआ उनसे, और अगर ये हम चेतावनी देते हैं, विनम्र चेतावनी देते हैं, अगर हमारे किसी भी और अभी 2 के साथ गोली लगी है, अगर किसी और के साथ गोली सहमनी हो जाती है तो लॉ एंड ऑर्डर जो बिगड़ेगा उसकी जिम्मेवार प्रशासन होगा। भिवानी का लड़का हमारा राजकुमार और एक आशीष, राजकुमार गोयल और एक आशीष है, 2 गोली लग चुकी है और अभी तो ये तो ऊपर की खबर है, अभी तो कुछ पता ही नहीं, अंदर का क्या पता कौन सा किसके चोट लगी हुई है, कोई मिल भी नहीं रहा।
नहीं किसी से बात, गोली लगी उनसे, गोली लगी उनसे किसी और से के थ्रू बात हुई है। दो बजे गाड़ी गोली लगी, वो घायल है और 10 गाड़ियां फूट चुकी है ये गणभर में। हमारे पास वीडियो है और बजरंग दल के सारे कार्यकर्ताओं के साथ आज हमारा फैसला हुआ है कि अगर हमारे यहाँ पे रात, प्रशासन ने हमारे को आश्वासन दिया कि अभी रात को हमारे हालत में आप हमारे आदमी को निकाल देंगे, अगर रात को हमारे आदमी नहीं करते हैं तो सुबह 10 बजे हम घंटा करके शुरुआत करेंगे और पूरा भिवानी रोड जाम करेंगे, ये फैसला हुआ है।